हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है संडे का दिन और आज हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ। देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं। पाजी भी मिलेंगे हमें रास्ते में, है ना, और हम दिखाएंगे किस तरीके से हम अपना संडे स्पेंड करते हैं। और साथ में अब हम दिखाना चाहते हैं आपको अपनी स्टेटमेंट इस वीक की, हमें कितना प्रॉफिट हुआ। आप कैलकुलेट कर सकते हैं पिछली वीडियो में जाके कि कितनी ब्रोकरेज कटी, क्या कटा। दो दिन का तो हम ही बता देंगे, है ना उमीर भाई। हाँ, तो दो दिन का नहीं, मतलब पूरे पिछले, क्योंकि पिछली बार का जो व्लॉग था, व्लॉग में हम ज़्यादातर बताते हैं, तो व्लॉग जरूर देखना है कि जिनको जानना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो पिछले पाँच दिन का जो देखना है वो पिछले सैटरडे वाले व्लॉग में देखना, आज संडे वाले में मैं दिखा देता हूँ कि कितना है। ये पाँच दिन का, लास्ट फाइव डेज का जितना भी प्रॉफिट हुआ है वीडियोज़ में जाके देखना कितना था, ठीक है। ये फ्राइडे को 18,000 और ये मंडे का है, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है। अराउंड 1,10,000 का ये वाला वीक गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया तो नहीं कह सकते बट नॉर्मल बोल सकते हैं। अगर 1,00,000 का वीक जाता है तो नो डाउट एक 10% का जो है हमारा मिनिमम क्राइटेरिया वो पूरा हो जाता है, अगर 1,00,000 भी आ जाता है पूरे वीक से, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया गया ये वाला वीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम संडे चलते हैं, लेकिन आज एक चीज़ यह है कि आज हम विदाउट कार जाएंगे गाइज, स्कूटी जाएंगे और मेट्रो से जाएंगे, बिल्कुल इंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हमें करते रहने चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस बहुत चुके हैं, पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट पे और बहुत ठीक ठाक है माहौल। तो भीड़ तो बहुत दिन बाद आए हैं, वैसे देख रहे हो भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा यहाँ पे, मतलब कुत्ते की तरह लोग चढ़ रहे हैं, कुत्ते की तरह निकल रहे हैं। मुझे लगा था संडे वाले दिन भीड़ कम होगी यार, लोगों की छुट्टी है घर पे। भाई देख, तू जैसे सोच के आया ना वैसे हर कोई यही सोच के आया, और भीड़ इतनी है। गाइस हम भी ऐसी भीड़ में चढ़ेंगे, देखेंगे भाई कैसा, बहुत दिन बाद आ रहे हैं। और ऊपर से ना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ना 10 रुपए आज किराया सस्ता होता है, 10 रुपए और दिल्ली के लोग ना 10 रुपए बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। नहीं ये बता, 10 रुपए क्या मतलब, 10 रुपए की जो टिकट है वो फ्री मिलेगी? 10 रुपए सस्ता नहीं हो सकता यार इतना, मतलब ये की कुछ परसेंट 30 रुपए के ऊपर जो टिकट होती है ना उसका 10 रुपए सस्ता रहता है। 10 रुपए मतलब 40 संडे वाले दिन, संडे वाले 70 किलो अपने कस्टमर को। हमने ज्यादा घूमे नहीं, हमें पता नहीं, इसीलिए पाजी को लेने के लिए पहुंच चुके हैं राजीव चौक पे, ठीक है। बट हम पाजी के साथ एक छलावा करेंगे, ठीक है। पाजी पीछे खड़े हैं, उधर देखना मत, कोई बात नहीं, हमें देख नहीं रहे, कोई बात नहीं, चलो चलो नहीं ला रहे। अरे नहीं चलो ना, कोई नहीं, वो देख, ठीक है ठीक है। चल अब है ना कॉल करेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमें ना मेट्रो में ना निकल गए आगे, तो अब यार तुम वापस घर चले जाना, ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ। अरे देख लिया यार, देख लिया सब लोग। गाइस पाजी आ चुके हैं, और पाजी क्या हाल चाल, ये बताओ कितना है। इस साइड आ जा, इस साइड आ, नहीं आ रहा। कब आए थे तुम यहाँ पे कब आए? मैं 12:30 सॉरी, थोड़ा सा सॉरी, भीड़ बहुत थी ना यार, और स्कूटी से आ रहे थे उसमें जाम भी, क्या करे, भीड़ बहुत है। पर आज संडे के हिसाब से रहती है पाजी, सच में भीड़। अच्छा यार तुम्हारे पास इतनी बाइकें हैं कि तुम दोनों, दो बाइकें थी तुम्हारे पास? हाँ है, वैसे बाइक पे भी जा सकते हैं, स्कूटी नहीं, बाइक पे गुड़गांव नहीं जा सकते, बहुत लंबा रूट है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं थके, लंबा नहीं, लंबा रूट है, बात है यार, स्कूटी चलाते चलाते बंदा थक जाएगा, बाइक चलाते चलाते बैठ जाओ। चलो फिर क्या करें, अभी ट्रेन आई है, बोर हुए यहाँ पर? नहीं नहीं बोर कोई नहीं, काट देंगे, देश की लड़कियां कहाँ है भाई, रजनी चौक के मेट्रो देख रहे हो पाजी की, वो मैं नहीं काटूंगा भाई, नहीं यार मैं कट नहीं करूंगा, हमारे यार ये तो चलता है यार, अभी तो कल ही हो गया, मैं परेशान था यार, चलता है यार, नहीं नहीं यहां कोई है, अरे भाई चल भीड़ आ गए, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पाजी अंदर घुस लो, आ जाओ वरना चली जाएगी ये भी ट्रेन, जज से लेके पुलिस वाला आ गया, सब दिख रहे हैं। अरे ये थोड़ी खाली है, आ जाओ, आ जाएगी ये पूरी जाएगी ओडे सिटी सेंटर तक, आ जाओ आ जाओ। चलो फिर निकलते पहुंचते, सरप्राइज है जहाँ ले जा रहे हो, सरप्राइज, ठीक है भाई। पाजी बताओ, जैसे बाकी लोग जॉब अब करते हैं, हमने पहले भी करी, सैटरडे संडे तुम
तुम्हारा मस जाता था, ऐसे ट्रेड है, तुम्हें सैटरडे संडे कैसा फील होता? सैटरडे संडे बहुत सही फील होता, सैटरडे सबसे सही रहता है यार, बट संडे बहुत बोरिंग लगता है, ट्रेडिंग करने का दिल करता है। आज ही मार्केट में चाहिए तुम्हारा सैटरडे कैसा बढ़िया चला था? हमारे तो दोनों ही बेकार जाते हैं, मतलब सैटरडे को मेरे पास फिर करने के लिए कुछ होता है, मेरे को तो समझ क्या होता है, अरे वैसे जिम में जाना थोड़ा, तो बाकी दिन भी कर सकते हो शाम के टाइम, सुबह के टाइम, हां वो है, बट संडे जीरो हो जाता है, जीरो संडे को जिम नहीं जाते, संडे को तो बंद रहता है, संडे को जिम है, अभी डबल वाले तो तगड़े, भाई बस वो लॉस नहीं होता ना कल का, परसों का तो मस्त हो जाता है ना। अब तो हमारी बात मानोगे ना पाजी? नहीं नहीं यार, थोड़ा हम तभी बोलेंगे, तो हमारी बात मानोगे कि नहीं? मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगले फ्राइडे आप मेरे को बोलोगे ये तू क्या कर गया। अच्छा क्या मतलब? क्या मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट बना लोगे या फिर क्या? कुछ नहीं रहेगा, प्रॉफिट तो बड़ा होगा ही होगा, ये क्या करेंगे, ये क्या कर गया ऐसा तो नहीं बोलना पड़ा, ये क्या कर दिया, सपने में लॉस आया था क्या? सपने में चौका तो लगा यार, 2000 का लॉस सपनों में कैसे आता है? अभी मुरी मुईया चौका, अरे ये जरूर बोलेंगे यार ये अच्छा करा, 2000 रुपए में मिलेगा मेरी तरफ से, वो क्या बोलते हैं मैनिफेस्ट करें पाजी, अगले हफ्ते फ्राइडे वाले दिन हम अप्रिशिएट करेंगे पाजी को, ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा था? संडे को इतनी सुकून की नींद आती है, मतलब सैटरडे को इतनी सुकून की नींद आई थी ना, क्या ही सुकून, ऐसी नींद कभी नहीं, बहुत दिनों से नहीं आई, लॉस और प्रॉफिट में आती है, प्रॉफिट में आई थी, लॉस ही जाना चाहिए था, लॉस और प्रॉफिट भाई पूरा का समय यार, प्रॉफिट में तो बहुत अच्छा लगा था, अच्छा लग रहा था, अरे दिल गार्डन गार्डन, हां ऐसा वीक गए तो ये भी बढ़िया भी था, समझ लेना अगर किसी को पता लग जाए कि मैं प्रॉफिट में, समझ लो ना, समझो टेंशन नहीं रही है, टेंशन क्या है अब तो, बस अगले हफ्ते की टेंशन होगी, अगले हफ्ते का नहीं नहीं जो चला ना जाएगा, अब तो दो हफ्ते हैं, अब उन पर टेंशन ये है, उनको बहुत अच्छे तरीके से जो आया वो चला ना जाएगा, 30 भी क्या लगता है कितना कर लोगे दो हफ्ते में, दो हफ्तों के अंदर 80 तो कम से कम, कम से कम 80, दो हफ्तों में 80, दो हफ्तों में 80 बोला, 80 बोला, 40 दो हफ्तों में 80 बोला, 80,000 का दो हफ्तों, 40 तो बहुत रेयर है, क्योंकि देखो 20,000 एक्सपायरी पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 20,000 हम मैनेज करेंगे, इस हफ्ते 65 निकाल रहे हैं, कम से कम अगले दो हफ्ते में 80 सही है, हाँ हफ्ता एक तरीके से नहीं सही है, 80 एक बहुत बढ़िया जाएगा, हर हफ्ता 65 वाले नहीं, नहीं जरूरी है, हर हफ्ता 40 के भी दोनों जाते हैं, उसमें ना मैंने एक्सपायरी और वेनेसडे को जोड़ा है, जबकि फ्राइडे भी होता है, मंडे भी होता है, ट्यूसडे भी होता है, वहाँ के मैंने प्रॉफिट ही नहीं काउंट करे, और इसके अगले मतलब दो हफ्ते बचे, दो हफ्ते में 15 मान के चलो, 15 मान के चलो, उसका नेक्स्ट वीक होगा उसमें 15 का, जो पॉसिबल है वो ही बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा वो नहीं रख रहा कि यार अनअचीवेबल हो, क्वांटिटी भी तो बढ़ा रहे ना, बात ये क्वांटिटी बढ़ा रहे, सही बात, मजा आएगा फिर, अब देखते हैं, देखते हैं कितना अच्छा वीक जाता है, थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, चलो चलो आज तो तुम्हें हम पार्टी कराते हैं अपनी तरफ से, तुमने इतना अच्छी ट्रेनिंग करी है ना, अरे यार ऐसे दिन आने चाहिए ताकि खुद से ही करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, बोलने की जरूरत ले लो, इतने बड़े बड़े हो, इतने लंबे लंबे क्या प्रॉफिट, बड़े बड़े हो, मेरे को तो रसगुल्ला खिलाना पाजी, इतना बड़ा थोड़ा रसगुल्ला, रसगुल्ले में खाओगे या फिर रसगुल्ले में घुसोगे? चलते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है, पहुंच के तक करते हैं।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सिकंदरपुर, दिखा दे पीछे वो दिखाओ बैंक ऑफ बड़ौदा सिंह। अरे सिकंदरपुर ये है, ये थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोलूं मैं, आज आवाज दे सिकंदरपुर। तो हम पहुंच चुके हैं, हमारी डेस्टिनेशन अभी 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर हम पहुंचने ही वाले हैं बस, है ना। हाँ पहुंचने वाले हैं अभी। हाँ। तो यहाँ से एक और ट्रेन तो चेंज करनी है हमें, मेट्रो और मेट्रो चेंज कर चेंज कर लेते हैं दूसरी वाली में चलते हैं। वो दूसरी वाली लाइन है नीचे है क्या वो लाइन? ओ भाई कान फाड़ दिए तुमने अभी फ्राइडे को बुरा दिन देखा है, अभी पता है तुम्हें मैं बता दूं है ना कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है सेलर्स के लिए, मेरे हिसाब से अभी बेस्ट चल रही है। अभी मार्केट ना इतनी बेकार स्टार्ट होगी ना बहुत ज्यादा है ना अम्बी? नहीं वो हाँ बेकार होनी शुरू होगी, वो पता है क्या आएगी जनवरी में। पर पाजी ने जो कल गलती करी है उसमें अगर गलती कर वो दी तो कल अगर वैसी गलती कर दी ना तो बहुत नुकसान होगा। सुन तो उम्मीद मैं ये सोच रहा था पाजी ने एक एसएल लगाया था 50 points वो मैंने माना टारगेट नहीं गया, वो टारगेट से फिर 20 points नीचे तो आ गई। हाँ लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता ना कि वो एकदम जम मार के उल्टा वहाँ का एसएल गया फिर नीचे वाला उतर जाता है। सोच लो जो तुमने कल 20 पॉइंट बचाए थे ना उसकी जगह आगे जाके 50 पॉइंट जा सकते तो उस आदत की वजह से अच्छा हुआ कल ही हो गया। हाँ लेकिन आगे से याद रखना बहुत बुरा हो इससे पहले कि अटैच नहीं होना, एक निकल गया दूसरे को निकालो निकालो वो छोटा लॉस है अभी जितने का भी वो तुम्हें बड़ा दिख रहा है लेकिन वो सबसे छोटा है। बड़ा जब होगा जब उसका भी असल जाता ना फिर सीधे 10 pack होता तब मजा आता फिर तुम्हें। ठीक है तो आगे अच्छा लग रहा है उम्मीद है ना। अच्छा बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत ही बेहतरीन वहाँ भी है। बंद क्यों कर दिया फाउंटेन इन्होंने पता नहीं यार, हमारे आते ही बंद कर दिया। इतना सोचने को भी जाके ना बैठा लो दयाल ऑप्टिकल्स स्टूडियो बेहतरीन। पहली नजर में दिखने वाला लॉस हमेशा छोटा होता है। हाँ भाई पहली नजर में तो दिख रहा है वो तुम्हें भले ही बड़ा लग रहा है लेकिन वो होता सबसे छोटा है, चाहे वो 8 का हो 20 का ही क्यों ना वो सबसे छोटा है, बड़ा वो होगा वो बाद में बनता है, बाद में बनता है फिर जब तुम ट्रेड करते चले जाते हैं। हमने ये चीजें प्रैक्टिकल देखी है टाइम भाई कई बार देखी है, अभी एंजॉय करते हैं। हां देखते हैं कहां पे है वो चलिए हम गाइस हम पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था। ठीक है बहुत ही बेहतरीन जगह माना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे आके दिखाओ कि हुआ क्या, ये दिखा दो ये थी पहले शॉप लेकिन अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, खाली हो चुका है जहाँ हम आए थे। ठीक है जहाँ पे हम गूगल पे सर्च करके आए थे वो बंद हो चुका है, अभी 1-2 महीने पहले तक खुला हुआ था बट अब बंद हो चुका है। थोड़ा देखा तो था लेकिन वो हमें ये है कि कोई पता नहीं चल पाया ना कि वो बंद हो चुका है या फिर यहाँ से उड़ चुका है, बहुत तगड़ा सीन हो गया पता नहीं यार हम वहाँ से है बताओ यार 40-50 किलोमीटर से इतनी दूर ये चीज करने, बट कोई बात नहीं चलो कुछ और चीज करेंगे फिर। ठीक है यहाँ देखते हैं कोई और चीज खाने का प्लान करते हैं। हाँ ठीक है तो लेट्स सी कहाँ चलते हैं देखते हैं, चलो चिकन तो खाएंगे ना चिकन काट दें तो देखते हैं कोई अच्छी जगह, अब तो कहीं भी चल लो अब तो कहीं भी चल लो अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बचा ही नहीं हाँ नहीं पाजी। तो गाइस जिस जगह पे हम आए थे वो जगह तो बंद है तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं साइबर सिटी में और देखते हैं। हाँ जाना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनमें सीटिंग अच्छी नहीं है, मतलब खड़े होके खाना पड़ेगा जो कि कंफर्टेबल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो हम साइबर सिटी में भी अच्छा से रेस्टोरेंट देखेंगे, वहाँ हमें दिखाएंगे कौन सा ही है और खाना कैसा है टेस्ट करके देखेंगे, पाजी को ले जाएंगे तो अच्छी जगह ही ले जाएंगे, आखिर पाजी पहली बार आए हैं हमारे साथ है ना भाई। बिल्कुल पाजी भाई बहुत बढ़िया पाजी यार लाइक बहुत बढ़िया। चलो अब जब वहाँ पहुँच के कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पहुँच के कुछ बोलने नहीं चाहते कंटिन्यू पाजी को पहले पाजी को खाना खाना उसके बाद कुछ और कर बोन वाला सर बोन वाला का 600 पड़ जाएगा। हां ठीक है कोई नहीं, तो पाजी के लिए चिकन हां ओमवीर के लिए लबाबदार पर मशरूम अच्छे लगते हैं मैं सब खाना ये सब कुछ खा लेता है। हां भाई के साथ में पनीर शेयर कर लूंगा। अरे हां मशरूम पनीर हम पनीर मशरूम मतलब जो भी वेज है ना वो हम सब। मैंने दो सब्जी मंगाई है वेज भाई के लिए अलग है, वो जो चिकन जो भी खाना है वही भाई भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। रोटी रोटी कौन सी वाली करा रहा सर? तंदूरी रोटी है सर, बटर नान है, गार्लिक नान है सर, रुमाली रोटी है सर। कौन से ओमवीर करें? नान कराते हैं प्लेन नान बटर नान
बटर नान, बटर नान ठीक है, बटर नान कर दो भाई। कितने सर? कितने? पांच ही कर दो, पांच बंदे हैं। एक पिस्से में तीन कट, तीन कर दो अभी बस, तीन या दो ही, नहीं तीन कर दो, तीन अभी चार करवा, चार फिर बाद में देखेंगे, तीन करवा ले बाद में, नहीं चार नॉर्मल मुझे लग रहा है कि चार जनों के लिए होना चाहिए, तीन होंगे एक में, हाँ तीन होंगे तभी तो कह रहा हूँ, चार या बारह, हाँ तो सही तो है, जीपी है तो वो दोबारा मंगवा, एक बंदा तीन ठंडा ना हो जाए, अरे यार ठंडा क्या होगा एक बार में यार, रोहित मंगा लो भाई, ठीक है मंगवा दो चार, और हाँ चार बटर, और खाने में और पीने ही में क्या चाहिए, पीने में दो वो मैंने बोला स्प्राइट, ठीक है दो स्प्राइट भिजवा देना, बॉर्नविटा पाँच, अरे जो मंगाना मंगा लो यार, तुम ये सब मत करो यार, तुम ये क्या कर रहे हो बाजी यार, तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन आपने क्या मंगा रहे हैं, और कैसे मंगाए, तीन सब्जियां मंगाई है, कुल्फी तो मंगाई, और क्या मंगाए बताओ, ऐसी बात मत बोलो बाजी, सुनो तुम वो बहुत मंगा रहे हो बाजी, ये ओमवीर और मेरी तरफ से, आप समझ रहे हो हम लेके आए हो, इसमें ना तुम तीनों का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें भाई, जो खाना हो तुम खा लेना, ठीक है कोई ये कि उसने ये इसलिए बोला था ताकि ठंडा ना हो जाए, बाद में कितना ही मंगवा सकते हैं, और सब्जी के लिए इसलिए क्या हुआ, चिकन मैं भी कमी खाऊंगा, समझ रहे ना, हम सब चिकन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, नहीं वैसे जिस जगह में बैठे हम मिलता ही कम है, क्यों मैं क्यों मैं क्यों कब मिलेगा, ज्यादा बुक कर लेंगे, अच्छा क्वांटिटी कम है, कम खाओगे चलो मिलता ही कम है, मसाला ज्यादा, बट ये यार यहीं पे मिल गया ये बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो ना, कहीं हाँ यार मैं तो वैसे ही दिमाग खराब हो गया, आज मजा नहीं आया यार, नहीं नहीं अब मजा आएगा ना, ऐसे बहुत चलना पड़ा, जगह अच्छी है, दिखा दे ऐसे उधर तक दिखाइए बस, बस जगह अच्छी है, वैसी बात नहीं है ना, खुशबू भी अच्छी आ रही है, चिकन विकन अच्छा लग रहा है, तुम्हारे पास अभी कितना कैपिटल है, जो चले जाए फिर तुम्हें ब्रेक लेना पड़ जाएगा ट्रेडिंग में, वो अराउंड 1.5 लाख है, 1.5 चला गया, तुम दोनों को ट्रेडिंग में ब्रेक लेना पड़ेगा, वो भी बता दो कितना ब्रेक लेना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें 6 से 8 महीने चाहिए, 6 से 8 महीने का इतना लेना पड़ेगा, अगर 1.5 लाख का लॉस होगा, हाँ क्योंकि हम हमारी प्लानिंग ये नहीं हुई कि हम कैपिटल इकट्ठा करें, क्योंकि पहले हमने जो गड्ढा खोदा पहले उसको धीरे धीरे करके वो भरना होगा, भरना तो पड़ेगा है ना भाई, काउंटर क्वेश्चन है, पूछो यार, जो आपने 1.5 लाख बट आपका प्रॉफिट ही कुछ क्या कहते हैं 30-40 thousand हुआ, तो यार तो आप थोड़ा इनसे ट्रेडिंग, मैंने अपना वो मैंने वैसे बताया कि जितने मैंने प्लान मैनेज करा, मैंने वो मैंने पूरे की बताया कि अगर मेरा इतना चला जाए तो मेरा इतना मेरे मतलब एबिलिटी कैपेसिटी कह लो कि इतना मतलब मैं मानो आने वाले टाइम में आपको 4 लाख प्रॉफिट हो जाता है जो होगा आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो अब फिर आपकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी ऑफ कोर्स, बात है वो तो ऑफ कोर्स वाली बात है, तो ये तो कॉमन सेंस था, ये कोई पूछने की बात है, वो तो ऑफ कोर्स बात है, अच्छा बात ये बताओ, तो तुम्हें ही तुम्हें अभी समझ लो नेक्स्ट मंथ ही 2-3 महीने में, नेक्स्ट मंथ नहीं 2-3 महीने में 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख का लॉस हो जाए, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहली बात तो मैं कोशिश क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, मेरे दिमाग में यही चलेगा कि मुझे 1 वीक का ब्रेक लूँगा, फिर ब्रेक लोगे, हाँ फिर से ट्रेडिंग में, हाँ सारी गलतियाँ पहचान के, हाँ सारी चीज़ें करके, बट यार जब मेरा बीच में ड्रॉ डाउन आएगा ना तो मुझे भी पता चल जाएगा, हाँ। मैं उसके बीच में ही वन ट्रेडिंग तो बंद नहीं करोगे ना, नहीं नहीं ये हम पूछना चाह, और मैं जैसे हमारे पास 2-3 स्ट्रेटजीज है, मैं एक स्ट्रेटजी से ब्रेक ले लूंगा और दूसरी पर डबल पावर से करके कोशिश करूंगा, अच्छा ऐसा नहीं है कि पूरा ही रुक जाऊंगा, मतलब एक दो स्ट्रेटजी है, तुम्हारे तो हमने पहले ही रिस्क कम करा रखा है, बट हाँ जिस तरीके से हमने रेस करा रखा है मुश्किल है कि 1-2 महीने में 1-2 लाख पहुंचे, अरे स्ट्रेटजी हमारी इतनी अच्छी है ना कि वहां पे आप समझ रहे हैं रिस्क 1% का डाला हुआ है, अरे रिस्क तो 1% भाई देखो सुनो रिस्क तो 1% का, लेकिन स्ट्रेटजी के अगर आप स्ट्रेटजी से वर्क करते हो ना अपनी, तो आपको बड़े लॉसेस हो ही नहीं सकते, पहले अच्छे क्योंकि कुछ कंडीशन है आपको उन्हीं से बचना है, और अभी जनवरी फरवरी आने वाली है तो लोगों को बहुत ध्यान से सेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया वीक्स और वोल्टिलिटी दोनों बढ़ना चालू हो जाएगी, समझ रहे हो, इस बार फरवरी के बाद थोड़ा टाइम ले लिया था मार्केट ने वीक्स को गिरने में, क्योंकि न्यूज़ थी मार्केट में रशिया वॉर आ गई थी, वरना ये पहले से ही डिके होना चालू हो जाता, अभी देखिए 2 महीने कितने अच्छे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है,
प्रीमियम कम है लेकिन फिर भी टूट रहा है। हाँ, मतलब कहीं पे भी जा रही है डिके ही हो जाता है। पहले फ्राइडे पे 450 400 पर होता, लेकिन अब 360 350 तो भी वीक हो रहा है। जब मैं पहले ट्रेडिंग करता था थोड़ा मैं कन्विक्शन में बिलीव रखता था, बट अब मेरे पास एक प्रोसेस है, मतलब मुझे डर नहीं लगता यार प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट और लॉस हो वो ऑटोमेटिक है, वो तो स्ट्रेटजी पे हाथ बैठ जाता है। हां बस सही है। देखो यार किस तरीके से ओमवीर, और बता तुझे कुछ पूछना पाजी से? नहीं पाजी को बस यही पूछना था। अच्छा, नॉर्मल चीज़ें जो अभी पूछी तुमने। हाँ। ठीक है, क्योंकि भाई यही है कि क्योंकि प्रोसेस है ना वो ऐसे नहीं होता सीधा। हाँ, हाँ। क्योंकि एक बार मार्केट ऐसे ऐसे अकाउंट ऊपर जा रहे हैं तो अचानक से मार्केट के साथ क्रैश आता है अकाउंट में, अकाउंट में ऐसे ऐसे प्रॉफिट जा रहे तो अचानक से सबके में क्रैश आता है। वैसे यार एक ही दिन में तो होना ऐसा आता होगा कि कई ऐसे बुरे दिन कई बार होता है कि एक दिन में हम क्या ही बताएं, एक दिन में नहीं आएगा पाजी, हम कभी कभार मुद्दी घूम जाती है लेकिन वो ओवर ट्रेड की वजह से आता है। और बात ये होती है, हमने देखो नहीं नहीं पाजी क्या होता है कि बंदा जब लगातार प्रॉफिट करने लगता है तो ओवर ट्रेड करता नहीं है वो, ओवर कॉन्फिडेंस ओवर आ जाता है। हाँ, वो सोचता थोड़ा सा रिकवर हो जाए, उसे पता नहीं चलता, एक तरीके से माइंड ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है ना लॉस में। वो होता है, वो होता है सबके साथ होता है, वो कॉमन थिंग है जो हमारा ह्यूमन माइंड इस तरीके से बना हुआ है ना, इस तरीके से बना हुआ है। तो गाइस हमने मंगा लिया खाना, स्टार्ट करते हैं। पाजी के देखने में कैसा लग रहा खाना? टेस्ट करके बताएंगे, रिव्यू करके बताते हैं, खाने के बाद हम टेस्ट करके बताते हैं यार। गाइस चलो पहले देख लो भाई, इधर सब्जी है ना। अच्छा, तो गाइस सबने खाना खा लिया, पाजी कैसे लगा आपको खाना? सब ओवर हो गया। अच्छा था खाना, अच्छा था बहुत बढ़िया, मजा आया, फुल मजा आया ना। हाँ, और कुछ खाने पाजी आप? नहीं नहीं बस पेट भर गया है पूरा। हाँ। और तुम्हें कैसे लगा जेपी भाई? नींद आ रही है भाई, बस खाना तो पेट। क्या बोले आप? बस बिस्तर लगवा दो, बिस्तर और बिस्तर लगा हुआ ना, वहाँ जाकर सो सकते हो। आप मुझे छोड़ के चले जाओगे ना तो सो जाता। अच्छा, और गाइस देख रहे हो ये दरिंदा बैठा है, चार मुर्गों की टांगे इसने लपेटी। गाइस ये दरिंदा है, चार मुर्गों की टांगे इसने अकेले लपेटी है। एक जिंदा मुर्गा लाया गया था, सिर्फ सारी चार टांगे छोड़ी है, वो भी चूसी हुई है। और अजय तुम्हें कैसे लगा ना? क्या पूछना से पूछना क्या भाई, ये चार टांगे बता रही हैं कि कैसा लगा होगा। काफी टाइम लगेगा गाइस, चलिए फिर चलते हैं। ओके खाना खा लिया, मजा फ्रेश हो गया, मजा हो गया ना। हाँ। अब ये में एक डुबकी लगा दे बस, ठंड हो रही है बस एक डुबकी तो वैसी में ठंड ठंड हो रही तो क्या हुआ, नहा लेना एक बार। अरे भैया भाई वीडियो वायरल हो जाएगी है। अरे भाई ट्रेंड ट्रेंड वो सब वायरल नहीं होता एमएमएस तो सही था, एमएमएस से तो वायरल होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, वो ले आते कपड़े ले आते कल मुझे स्वास्थ्य की ट्रेडिंग करनी है, अजय की आगे इधर उधर घूम रही। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हुए तो यही जगह होगी, यही पे डुबकी लगाएगा हमारा जीपी गाइस। लेकिन देखो उसके लिए ना 1000 लाइक होने चाहिए। 1000 ऐसे ही कर देंगे, वो थोड़ा लंबा तो टारगेट दे दो। लंबा दूं? हाँ। यार तुम फिलहाल एक करके दिखाओ, सब छोड़ो एक करके दिखाओ। हाँ, ठंडे पानी से नहाऊंगा तुम्हारे लिए। ठंडे नहीं, हाँ यही है बात है। चलो मैं यही आके नहाऊंगा, 1000 लाइक करो पहले। बेटे देख लो, बोल रहे हो देख लो, इसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं भाई, यही उतर जाऊंगा। और बताओ, मुझे पता है यार बंदे प्यार करते हैं यार बंदे, लेकिन भाई बंदे प्यार तो करते हैं लेकिन यार लाइक नहीं करते भाई। हाँ। तुम्हें नहीं पता अभी कहाँ तक पहुँचा देंगे ये चीज देखने के लिए। तो यार चलो भाई देखते हैं, करना है बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल रेडी। लाइक करना इस वीडियो को अच्छे से, हम भी घर निकल रहे हैं अब। ठीक है, और काफी अच्छा सीन लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। सही है, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन बढ़िया है टोटल मिला के। निकलते हैं, पाजी का भी पेट भर गया है और देखो बाहर आ रहा है। पाजी बहुत परेशान हो रहे थे बीच में, भाई खाना दिलाओ खाना दिलाओ। मुझे ऐसा लगता है छोले भटूरे से ज्यादा मजा यहाँ आया। और क्या बढ़िया था वैसे खाना, तो बहुत ही टेस्टी था।
लेकिन बीच में भाई जब पाजी की हालत बहुत खराब हो गई थी, पाजी कह नहीं रहे थे भाई पहले ऐसा करो वो खा लेते हैं उसके बाद तुम कहीं और घुमाना। हाँ पाजी छोले कुलचे खा रहे थे। छोले कुलचे के तो मैं बोला था कि नहीं पाजी क्या बोला था यहाँ पे एक अपने बजट में छोले वाला था। चलो वहाँ चलते एबिलिटी अभी भी इतनी इंग्लिश में आती है अगर आप।